अब देखिए, ये टैटूज का कल्चर आजकल बहुत चल रहा है। हर कोई टैटू से गुदगुदाया हुआ घूम रहा है, चाहे छोटा टैटू, बड़ा टैटू, मक्खी के समान टैटू, जू के समान टैटू, टैटू गुदवाना है। अब मैं एक मसीही पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, लेकिन मैं एक एक जो जो सेक्युलर ऑथर होते हैं, मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा था, जो नास्तिक होते हैं, मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था। और वो पुस्तक जो थी उसका नाम था कॉन्शियस इंक। और कॉन्शियस इंक नाम की वो पुस्तक जो एक लेडी ऑथर जो थी उसने लिखी है, उसने इस बात को बताया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू बनवाता है, तो वो टैटू की इंक जो होती है, वो जो सुपरनेचुरल एंटिटीज होती हैं, वो उसको सुपरनेचुरल एंटिटीज कहती है, हम उसको डीमंस कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। तो वो कहती है कि सुपर नेचुरल एंटिटीज जो है वो उस टैटू की वजह से अट्रैक्ट होती है, और जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के कारण डीमंस इजिली बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, इजिली बॉडी में घुस जाते हैं। क्योंकि वो कहती है कि ये जो टैटू बनवाया जाता है, चाहे शरीर पर कहीं पर भी बनवाया जाए, ये ब्लड सेक्रीफाइस होता है। ब्लड सेक्रीफाइस कैसे होता है? जब पिन्स निडल्स अंदर घुसती हैं और उसके द्वारा जो खून निकलता है वो ब्लड सेक्रीफाइस होता है कि आप किसी सुपर नेचुरल एंटिटी को अपने कांटेक्ट में लेना चाह रहे हैं। तो ये प्राचीन काल से है वो लिख रही है, ये कोई मसीही लेखक नहीं बता रहा है, ये एक सेक्युलर लेखक बता रहा है, एक सेक्युलर लेखिका बता रही है कि ये इंक जो है, ये टैटू जो है, टैटू का मतलब है आपने खुद को मार्क कर लिया, एक निशानी दे दी कि मैं तैयार हूं सुपर नेचुरल एंटिटी को अपनी बॉडी में लेने के लिए। तो टैटू कल्चर फैल रहा है। तो हो सकता है ट्रिपल 6 जो है, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, वो कोई टैटू हो सकता है, क्योंकि क्योंकि लिखा है जो मार्क ऑफ द बीस्ट लेगा उसको नरक में डाला जाए। तो अगर मार्क ऑफ द बीस्ट सिर्फ खरीदने और बेचने के लिए होता, तो परमेश्वर खरीदने और बेचने वाले आइटम की वजह से क्या हमको नरक में डाल देगा? यानी कि हमारे उद्धार के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट असर डालेगा, तभी तो नरक में डाला जा रहा है। यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट का संबंध सिर्फ हमारे भौतिक यानी फिजिकल लाइफ से नहीं, हमारे आत्मिक जीवन से भी होगा। तो हो सकता है ये एक टैटू हो, और टैटू होगा तो सीधे सी बात है, टैटू का मतलब जो पैगन वर्ल्ड होता है, जो ऑकल्ट वर्ल्ड होता है, उसमें टैटू का मतलब होता है खुद को मार्क करना कि हम डीमंस को अंदर लेने के लिए तैयार हैं।